बहुत अच्छा, बहुत फ्रेश, बिकॉज योगा एनी विच वे इज़ समथिंग जो आपको बहुत रिज्यूमिनेट करता है, एक मेडिटेशन है. सो अर्ली मॉर्निंग ओपन एयर में और इतने सारे स्टूडेंट्स के संग करने में बहुत मज़ा आया, सब बहुत एंथुजियास्टिक थे. सो एज इट इज़ कि मतलब अगर हम नॉर्मली करते हैं तो अकेले करते हैं या अपने किसी कोच के संग या गुरु के संग कर रहे होते हैं, बट दिस इज़ ऑल टुगेदर वेरी डिफरेंट फीलिंग क्योंकि ये ओपन एयर में है, इतने सारे छोटे छोटे स्टूडेंट्स हैं एंड जो अपना बेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. सो इट्स वंडरफुल, इट्स अ ग्रेट फीलिंग, इट्स वेरी फ्रेश, बिल्कुल बहुत ज़्यादा. मेरा मॉर्निंग जो है वो स्टार्ट ही योगा से होता है बिकॉज आई बिलीव हमारी लाइफ इतनी हेक्टिक है कि हमें कहीं ना कहीं एक पीस ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी है. सो योगा ब्रिंग्स दैट पीस इन योर लाइफ, मेडिटेशन इट ब्रिंग्स पीस इन योर लाइफ एंड मेक्स यू अ बेटर पर्सन. आपका मतलब रेजिस्टेंट पावर बेटर हो जाता है, आप हर चीज़ ईजीली ले, मतलब आप किसी भी चीज़ पर बहुत जल्दी एग्रेशन नहीं दिखाते हैं बिकॉज यू आर डूइंग योगा, यू आर डूइंग मेडिटेशन, सो यू आर काम एंड कंपोज्ड. सो दैट इज़ वन थिंग रियली वंडरफुल विच योगा हेल्प्स यू एंड इट ऑल्सो मेक्स योर नॉट ओनली बॉडी बट ऑल्सो मेंटली इट मेक्स यू वेरी फिट. बाकी कोई मैसेज अपने बच्चों को देना चाहिए? आप आज लाइक आज जो अमरीश जी ने यहाँ पे पूरा अरेंज किया है एसपीएम कॉलेज के जो प्रेसिडेंट है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहिए? आई वुड जस्ट लाइक टू से दैट अमरीश जी हैज़ डन अ ग्रेट जॉब. आई थिंक ही शुड कीप डूइंग दिस बिकॉज दिस विल एनकरेज देयर स्टूडेंट्स टू डू मोर एंड मोर योगा एंड गेट इनटू मोर फिजिकल एक्टिविटीज बिकॉज जो हम अभी सिखाते हैं वही वो अपने आगे जाके लाइफ में इनकॉर्पोरेट करते हैं अपनी लाइफ में. सो दिस इज द स्टेपिंग स्टोन वेयर दे स्टार्ट एंड आई विश देम ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू. सेंटर में ले लो बच्चे को, दे वांट टू क्लियर द ग्राउंड.